नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए ऐसे कौन से ग्रह योग है जिनके कारण उनको अचानक धन लाभ हो सकता है या फिर लॉटरी लगने वाली बात हो सकती है, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए ऐसे कौन से ग्रह योग है जो उनको धनवान बना सकते हैं या फिर लॉटरी लगना या फिर भारी मात्रा में पैसा मिलना, ऐसी बातें हो सकती है, उसके बारे में कौन से योग है, उसके क्या मायने हैं, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लग्न के लिए ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको धनवान बनाना या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको पैसे मिलना या फिर ऐसी बातें जैसे कि लॉटरी लगना वगैरह। तो ऐसी ये जो बातें हैं इसे मायने क्या होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि हर कोई मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, फिर धन कमाने के लिए हर कोई मेहनत करता है, अपनी जो कैपेसिटी है उस अपनी जो क्षमता है उसके आधार पर हर कोई मेहनत करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत जन उसमें सक्सेस नहीं पाते हैं। हमारे सिर्फ मेहनत ज़्यादा होती है, हमें धन नहीं मिलता जैसे जितना हमें धन मिलना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिलता। और बाकी के कई लोग आपने देखे ऐसे भी देखे होंगे कि वो मेहनत तो बहुत कम करते हैं लेकिन उनको धन मिलता है या फिर उनको यश के जो पायदान हैं वो जल्दी जल्दी मिल जाते हैं और एक ही जीवन में वो इतना धन इकट्ठा करते हैं कि उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्तियों को हम लकी कहते हैं। हालांकि उनका जो लक है वो उनके कुंडली में छुपा हुआ होता है। तो ऐसे ही लक के बारे में अब आज हम विचार करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है या फिर आपका वृश्चिक लग्न है तो आपके कुंडली में अगर चंद्र गुरु की युति है, जी हाँ, अगर आपके कुंडली में चंद्र गुरु की युति है तो फिर आपकी जो कुंडली है वह लकी मानी जाएगी। अभी इसमें पहली बात तो आपको आपके पास कुंडली होना ज़्यादा आवश्यक है। तो कुंडली होने के बाद अगर यह जो मैंने ग्रह योग का चंद्र और गुरु इनकी युति, इसका मतलब क्या होता है कि अगर चंद्र और गुरु आपकी कुंडली में कहीं पर भी एक खाने में है या फिर एक ही घर में है या फिर उनकी जो युति जिसे हम कहते हैं कि उनके जो अंश होते हैं या फिर जिसे अंग्रेजी में डिग्री भी कहा जाता है, वो अगर एक ही डिग्री पे हो या फिर उनमें 3-4 डिग्री का भी अंतर हो तो भी उसे युति कहा जाता है या फिर अंग्रेजी में इसे कंजंक्शन भी कहा जाता है, वह अगर हो तो आपकी कुंडली में चंद्र गुरु की युति हो जाती है। फिर यह जो मैंने बात कही अचानक धन लाभ होना या फिर लॉटरी लगना, ऐसी बात आपको हो सकती है, मिल सकती है और ज़्यादा कुछ मेहनत करे बिना भी आपको अच्छे धन लाभ हो सकते हैं और ऐसे धन लाभ से आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि आपकी डेस्टिनी में, आपके प्रारब्ध में, आपके नसीब में ये बात है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। रातों रात बहुत ज़्यादा पैसे मिलना या फिर कम मेहनत में पैसे मिलना, ऐसी बात हो जाती है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको जो यश के पायदान, जैसे मैंने कहा कि यश के पायदान मतलब फटाफट मिल जाते हैं, मतलब उसके लिए आपको ज़्यादा राह नहीं देखनी पड़ती और किसी भी प्रकार के मेजर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके लाइफ में धन के बारे में कभी भी नहीं आते। जी हाँ, आप कितने भी मतलब गरीब परिस्थिति में भी आपने जन्म लिया हो तो भी आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। तो ये बात सच है और इसी को हम नसीब वाली या फिर भाग्यशाली कुंडली कहते हैं। तो आप भी देखना, अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि। अगर आपका लग्न हो तो ऐसा कौन सा ग्रह योग है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसके वजह से अपने चैनल पर नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।